लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे भाई, कोई बहुत ही खुशी की बात हो तो हम भी हंसे। बापू आजा आजा आजा। सवेरे सवेरे जाना पड़ा, नाश्ता रहेगा। चल बापू को नाश्ता कराओ। इधर जब से सो के उठा है तोहरे ही नाम का पहाड़ा रट रहा है, कोई काम ही ना कर देता। देख मेरे से, माँ को सताएगा तो तेरी मेरी नहीं पटेगी, पहले माँ फिर कोई और, समझा? अच्छा, ये देख हम तुम्हारे लिए क्या लाए। ये मैं रुकिया को दिखा के लाता हूँ। लड़का बड़ा समझदार है, हमका चानस देने के वास्ते यहाँ से चला गया। अब एक आध ऐसा समझदार लड़का और पैदा कर दे। आओ पहले यहाँ बैठो। अब ये बताओ, इतना खिलौना लाने का मतलब क्या है? लड़के को बिल्कुल ही बिगाड़ा चाह रहे हो का? अरे आज से तो हम तो का भी बिगाड़ना चाहे हैं। ये देखो। ये का? अरे तू पहन तो ले, आज हमारा शादी का बर्थडे है, इसी कारण हम तुहार वास्ते ये हरे कांच की चूड़ियां ले आए। तो का याद है शादी की पहली रात को तो ऐसा नहीं हरे कांच की चूड़ियां पहने रही, याद है? हाँ। वैसा नहीं रात आज फिर हो जाए। ऐसा बात करती शरम नहीं आती का? इमा शरम का है कि तू हमार पत्नी है और हम तो हर पति है। अरे रहा, एक चीज और लाया हम तो हर वास्ते। ये देखा का? देखा, ये बड़ी चमत्कारी चीज है, ई के अंदर एक बायोस्कोप है जिसमें सारी दुनिया नजर आवे। दिखाओ ना। ये देखा, ये तो मुन्ना का फोटो है। यही तो हमार दुनिया है शांता। ये जब बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनेगा तब हरिमोहन उर्फ हरिया का रुबाब देखना। तो अरे रघुवीर सिंह बाहर आओ, मेहमान आ गए। अरे रघुवीर सिंह, अरे डोंट शूट, Come. साहब आपको यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस रघुवीर सिंह की अंग्रेजी झेलनी पड़ेगी। वेलकम 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 सर, वेरी गुड मॉर्निंग। रास्ते में कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुआ? ये तो बड़ी दिक्कत थी, ये अपना हरिया जो है बिल्कुल डैम ब्लैडी फूल है। आइए आइए आइए। मैंने कहा था ना साहब, आपको इनकी अंग्रेजी झेलनी पड़ेगी। शट अप। अरे लेकिन मैं तो बोल दिया शट अप तो शट अप। गाड़ी कम चलाता है, जबान बहुत चलाता है। जब देखो टटर टटर, यू गो, इफ यू नॉट गो हम जाता। लग हम सामान रख के आता है साहब। आह हरिया जी साहब, हवेली तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन लेकिन क्या साहब? अरे इतनी खूबसूरत हवेली, बरसात का मौसम, दिन तो किस तरह कट जाएगा लेकिन रात कैसे कटेगी? हम समझ गया साहब। समझ गए ना? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं रात को यहाँ सो जाऊंगा। हाँ, आपको अगर अकेले में डर लगता है तो दरवाजे पे चटाई लगाकर मैं सो जाऊंगा। हम तुमसे हजार बार बोला कि हर बात टैंक डोंट अलाउ। तुम्हारा भाई सुबह से हजार बार तुम्हारे लिए पूछेगा, तुम अपने घर जाओ, गो। अच्छा साहब हम जाते हैं, जरूरत पड़े तो याद कीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। ये हरिया से बिल्कुल लुल्लू है, कुछ समझता ही नहीं। हम सब समझते हैं, रात को आपके लिए टॉनिक की बोतल का इंतजाम हो जाएगा। बोतल नहीं, शीशी। हाँ
दिख गया क्या सरकार? हाँ तो कर दीजिए फायर। अरे लेकिन ये है कौन? कौन? अरे वो गोरी गोरी सी। तो अपने हरिया ड्राइवर की वाइफ है, बेटी फिल्म मैन सरकार। लघु शाम को बोतल या शीशी लाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं सरकार। साहब आपने मुझे बुलाया? क्या नाम बताया तुमने अपना? जी हरिया। हाँ हरिया, वो कुमार साहब को फोन आया था, 9:30 बजे गाड़ी से कुछ जरूरी कागजात भेज रहे हैं, तुम कार लेकर स्टेशन पर चले जाओ। जी मैं चला तो जाता, लेकिन बात यह है कि आज मेरी शादी की वो बर्थडे है और वो जाना बहुत जरूरी है, वरना कुमार साहब को लाखों का नुकसान हो जाएगा। ये बात है, फिर तो मैं अभी जाता हूँ। हरिया जी, ये रघुवीर कहाँ मर गया? 1 घंटे से नजर नहीं आ रहा। अरे उसको कोई मिल गया होगा सुनने वाला, अपनी अंग्रेजी झाड़ रहा होगा, कोई काम था। अरे भाई उसने कोई खाने का बंदोबस्त किया है या नहीं? उसके भरोसे पे मत रहिए साहब, मैं काम करता हूँ। हाँ। मैं शांता से कह दूंगा, वो आपको खाना दे जाएगी। अच्छा ये लो। ये क्या कर रहे हैं साहब? आप तो हमारे मेहमान हैं, और हम जैसों के लिए मेहमान भगवान के बराबर होता है। अच्छा अच्छा। हरिया जी, मैं खाना 9 बजे खाता हूँ, डॉक्टर ने मुझे जल्दी सोने के लिए कहा। अच्छा ठीक है, मैं शांता से कह दूंगा, वो ठीकम ठाक 9 बजे आकर खाना दे जाएगी। अब मैं चलूं? हाँ जाओ। साहब खाना लाई हूँ। गरम है? जी। यहाँ नहीं, ऊपर वाले कमरे में। ट्रैफिक जाम गायब हो गए। अरे पहाड़ गिर गया है, रास्ता बंद हो गया है, काम चालू है, कल दोपहर से पहले रास्ता नहीं खुलेगा। कल दोपहर तक? हाँ। फिर हमारे मेहमान का क्या होगा? और हम भी क्या कर सकते हैं, जो गिरदाली लाल की मर्जी। चला भैया लौट के बुद्धू घर को चला। Thank you.
भैया की गाड़ी खाड़ी में गिर गई। बहुत तलाश करने के बाद भी उसकी लाश तक नहीं मिली। अमरनाथ, अमरनाथ, देख। जिंदा है, ले चलो अंदर, चलो। बात करने की कोई जल्दी नहीं, आपको आराम की जरूरत है। हम आप लोगों को जानते हैं ना? जानने में क्या देर लगती है, अपने आप को तो जानते हो ना। हम कौन है? कर रहे हैं आप? आप नहीं जानते कि आप कौन है? अमरनाथ, तुम इन्हें संभालो, मैं पम्मी को भेजता हूं, वही इन्हें ठीक करेगी। हाँ, अभी भेजता हूं। क्या हुआ? गुड न्यूज, गुड न्यूज। उसे होश तो आ चुका है लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुका है। अब हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उसे यकीन दिलाने में कि वही साकिया है, बच गए हम। लेकिन भैया, उसकी याददाश्त लौट आएगी तो क्या होगा? कैसे लौट आएगी? हम लौटने देंगे तब ना। इन बातों का फिक्र तुम मत करो, इन बातों का सारा इंतजाम मुझ पर छोड़ दो, तुम अंदर जाओ। नहीं, मैं तुम्हें बीवी बनने के लिए थोड़ा ही कह रहा हूँ, सिर्फ बीवी की एक्टिंग करने के लिए कह रहा हूँ, जाओ। लेकिन भैया, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? देखो पम्मी, जिस खेल में हम तुम है ना, उस खेल में इन छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं किया जाता कि पति कौन है, पति कौन नहीं है। अरबों करोड़ों रुपयों का मामला है, तुम जाओ। प्लीज गो, गो, लीव एवरीथिंग टू मी, आई से, डोंट वरी। हेलो, हाउ आर यू फीलिंग? बेटर? आप ही पम्मी हैं? कम ऑन साकिया डार्लिंग। साकिया को हम सच कहते हैं मैम साहब, हमको हमको कुछ याद नहीं। भैया, भैया, क्या बात, क्या हुआ? भैया, इन्हें कुछ याद नहीं है, मुझे डर है कि उनकी याददाश्त तो हो सकता है इतने बड़े एक्सीडेंट से इनके सर पर जो चोट आई है, शायद ये अपनी याददाश्त खो चुके हैं। अमरनाथ, इंजेक्शन लो। देखिए जीजा जी,
घबराने की कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में आपकी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन जब तक ये याददाश्त वापस नहीं आती तब तक आप सिर्फ अपनी बीवी पम्मी का कहना मानते रहिए। आपका अरबों करोड़ों का धंधा है, अगर किसी को जरा सी भी भनक पड़ गई कि आप अपनी याददाश्त को बैठे तो गजब हो जाएगा, सब कुछ आपके हाथों से निकल जाएगा। या दरअसल आपका इलाज तो सिर्फ आराम है, लेकिन वो आराम तो आपको घर पहुंचने के बाद ही मिल सकता है। और अब सोचिए बिल्कुल नहीं, ज्यादा सोचने से आपकी यादें पीछे चली जाएंगी, और फिर सोचने की आपको जरूरत ही क्या है, हम जो है आपके लिए हैं। ठीक है ठीक है, अब आप कोई फिक्र मत कीजिए, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी सारी यादें मेरे पास हैं। साकिया को हम पांचों के सिवा और किसी ने नहीं देखा है, अगर हम लोग आपस में मिल जाएं, तो किसी को भी साकिया बनाकर अपने साथियों के सामने खड़ा कर सकते हैं। हाँ कर तो सकते हैं, मगर हमने ऐसा आदमी ढूंढ लिया है जो अपनी याददाश्त खो बैठा है, उसे यकीन दिलाना मेरा काम है कि वो साकिया है। और अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो? उसकी याददाश्त को लौटने से रोकना मेरा काम है। अब सवाल सिर्फ ये है कि तुम लोग इस काम में हमारे साथ हो या नहीं। साथ में देने का तो सवाल ही नहीं उठता। गुड, तो फिर ये तय हुआ कि साकिया को साथियों से मिलाना तुम्हारा काम है। लेकिन लेकिन क्या है? साकिया के शेयर का क्या होगा? वो तो हम चारों में बराबर से बांटा जाएगा, और क्या होगा? नेचुरली, अब तुम लोग जाकर सिंडिकेट के सिल्वर जुबली फंक्शन का इंतजाम करो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। ओके ओके बाय। इन दोनों को साकिया के शेयर ऑफर करने की क्या जरूरत थी? लौट कर भी क्या सकते हैं भैया, अभी तो उनके हाथ में है। अभी सिर्फ अभी। क्या मतलब? मतलब ये कि साकिया को एस्टैब्लिश करने के बाद मैं इन साथियों को देख लूंगा। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से, सिंडिकेट की इनर कमेटी की तरफ से और अपने चीफ साकिया की तरफ से आप लोगों का इस सिल्वर जुबली फंक्शन में स्वागत करता हूं। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आज पहली बार आपको अपने चीफ साकिया के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। अच्छी तरह देख लीजिए, सूरत पहचान लीजिए, क्योंकि ये मौका ना जाने फिर कब मिले। ही नजर बचिए। प्लेयर सर, वेलकम वेलकम। खुशवंत सिंह डॉन फ्रॉम पंजाब, कमल राय फ्रॉम आसाम, मिस्टर सुभाष मुखर्जी फ्रॉम बंगाल, मिस्टर कमल सिंह चौहान, आई एम फ्रॉम शिमला। बैठिए। कौन है वो गुस्ताख जिसने साकिया पे गोली चलाने की हिम्मत की? आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसी मीटिंग्स में किसी किस्म के आर्म्स या हथियार लाने की इजाजत नहीं। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि यह गोली साकिया पर चलाई गई थी इसलिए हमें सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। बॉडीगार्ड्स, साकिया पर गोली चलाने की सजा मौत है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं गद्दार नहीं हूं। मैं ये साकिया साहब, बेवकूफ मत बनो, चीफ साकिया का नाम इज्जत से लिया जाता है। पागल हो गए हो धीरज,
ये सारा नाटक इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि साकिया कितना सख्त आदमी है। वक्त आने पर अपने खास आदमियों का लिहाज भी नहीं करता, समझे? मत चलो मेरे साथ। चलो चीफ, ये हमारा बहुत पुराना साथी धीरज है। इसे पिछले कई दिनों से इस किस्म के कई दौरे पड़ चुके हैं। इसने सूरज पर भी गोली चलाई थी, क्यों सूरज? हाँ चीफ, मैं बाल बाल बच गया था। अपने इन साथियों से पहली बार मिलने की खुशी में आप इसे माफ कर दीजिए, नहीं तो को हल्की सजा दे दीजिए। डॉक्टर आप ही बताइए। मैं आपकी तरफ से हुक्म देता हूँ कि धीरज इस मीटिंग से चला जाए और इसके हिस्से का बोनस बाकी के तमाम साथियों में बांट दिया जाए। क्यों चीफ, आपको मंजूर है? हाँ। सूरज, क्योंकि धीरज हमारा बहुत पुराना साथी और इनर कमेटी का मेंबर भी है, इसलिए मैं और तुम इसे पिछले दरवाजे से ले जाते हैं। अच्छा चलो ले जाते हैं चीफ। कुमार। यस चीफ। रॉबर्ट का क्या हुआ? सच उगलवाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन अभी तक। 6 महीने हो गए हैं, किसी भी पुलिस के मुखबर को इतना वक्त देना ठीक नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर अगर उसने कुछ नहीं बताया तो खत्म कर दो उसे। यस चीफ। यू। यस चीफ। शमशेर सिंह की कुर्सी पर तुम क्यों बैठे हो? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है और वो रिटायर हो गए हैं, मैंने टेक ओवर कर लिया चीफ।
किसकी इजाजत से? इनर कमेटी के हुक्म से। शमशेर सिंह मर चुका है। जी? और तुमने उसे मारा है? नहीं चीफ, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। 14 जुलाई रात को 9:30 बजे उनके रेस्ट हाउस के गैराज के पीछे। नहीं चीफ, नहीं। चीफ, आज आपका जन्मदिन है, इसे माफ कर दो। सुनील के बापू, आज ठीक 25 बरस हो गए तुम्हें इस दुनिया से गए हुए। सुनील को देखकर खुश तो होते होंगे ना? किसी दिन सपने में आकर कह जाते, शांता तुमने तो कमाल कर दिया, हम तो तुझको बेसहारा छोड़ आए थे, पर तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। सुनील को पुलिस अफसर बनाए बिना चैन नहीं लिया तुमने। ये आपके 300 रुपए का मनी ऑर्डर, साइन कीजिए। ये लीजिए, आपका मनी ऑर्डर आने में कभी एक दिन भी देर नहीं हुई। देरी कैसे होगी भैया, हम जब कभी उसको दूध पिलाने में, लोरी सुनाने में देरी नहीं की, तो वो देरी कैसे करेगा? अरे भैया, ऐसा हीरा बेटा भगवान दुश्मन को भी दे। चली गई। आपको कौन सी विस्की चाहिए? जो विस्की बच गई वो हमें चाहिए। हमें जो चीज पसंद नहीं होती हम उसे खत्म कर डालते हैं, और यहां भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमें पसंद नहीं। ए हीरो, ये जो तोड़फोड़ किया उसका हिसाब कौन चुकाएगा? हिसाब लेगा कौन रे? मैं लूंगा। तो लेना। कुमार साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। हमारी बहुत दिनों से तुम पर नजर थी, हम तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं। शुक्रिया। तुम चाहो तो हमारा एक बहुत बड़ा काम कर सकते। अजी, किसकी गर्दन तोड़नी है? हुक्म कीजिए, 2 मिनट के अंदर भिजू। ताकत तो हमारे पास भी बहुत है बरखुरदार, लेकिन जो काम करना है, मेरा मतलब है मकसद की बात करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे कहीं जाना है। तुम इस वक्त कहां जा रहे हो हम ये भी जानते हैं, आईजी की लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। कमाल है। अरे आप कहीं पुलिस या सीआईडी में तो काम नहीं करते? ये क्या? वही मकसद की बात। मैं समझा नहीं। ये 25,000 हैं
आईजी के पास एक फाइल स्टडी के लिए आई है जिसका नंबर 117। वो फाइल हमारे लिए बहुत कीमती है। हम जानते हैं कि तुम फाइल आसानी से लाकर हमें दे सकते हो, क्योंकि क्योंकि आईजी की इकलौती बेटी मुझसे प्यार करती है। करेक्ट करेक्ट। ये वक्त है आने का। देखो मैं कहती हूँ चले जाओ, नहीं तो नहीं तो नहीं तो क्या प्यार करोगी? देखो सुनील, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, माय फुट ठींगा दे सकते हो। जो आदमी थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकता वो क्या जान देगा? अरे जान मांग कर तो देखो, अभी दूं? मैं समझी कि तुम खुशामद करोगे, मुझे अपनी बाहों में लेकर मनाओगे। अरे मैं तो अभी मनाने ही वाला था, सोचा पहले झगड़े का पूरा मजा ले लूं तो मनाओ। आहा, होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट, माटाला अभी मैं मनाना शुरू करता हूँ। कभी तुम आग हो कभी तुम पानी, है क्या चीज हो दिल भर जानी, इसी पे तो सब दिल बिल मेरा ले लिया। हट दीवाने मैंने बुरा क्या किया, हट दीवाने मैंने बुरा क्या किया। कभी कभी आग हो कभी कभी पानी, मैं भी क्या चीज हूँ दिल भर जानी, इसी पे तो सब दिल दिल तेरा ले लिया। हाँ दिल रुबा तूने बुरा क्या किया, हाँ दिल रुबा तूने बुरा क्या किया। चोरी छुपे किया करें तेरे नजारे, तरस तरस कहां तलक हम बेचारे। चोरी छुपे किया करें तेरे नजारे, तरस तरस कहां तलक हम बेचारे। फिर कब जाने आना होगा, कुछ तो लेकर जाना होगा। आगे बढ़ो मियां मुझे समझाओगे क्या। कभी तुम आग हो कभी तुम पानी, हाय क्या चीज हो दिल भर जानी, इसी पे तो सब दिल विल मेरा ले लिया। हट दीवाने मैंने बुरा क्या किया, हट दीवाने मैंने बुरा क्या किया। चले तो एक बार नाम तेरा मेरा कहाँ लिखा है यार। हो ला 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 ला, खोलो दिल का पन्ना पता चले तो एक बार नाम तेरा मेरा कहाँ लिखा है यार। जिसे चाहो मिले नहीं ऐसा भी क्या। कभी कभी आग हूँ कभी कभी पानी, मैं भी क्या चीज हूँ दिल भर जानी, इसी पे तो सब दिल विल मेरा ले लिया। हट दीवाने मैंने बुरा क्या किया, हाँ दिल रुबा तूने बुरा क्या किया। हट दीवाने मैंने बुरा क्या किया, दिल रुबा तूने बुरा क्या किया। अरे सुनील कहाँ गया? सुनील बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते आओ सुनील आओ।
जी ये रही आपकी फाइल। वेरी गुड वेरी गुड। अब आप बाकी की पेमेंट भी कर दीजिए। बाकी के पैसे लेकर क्या करोगे सुनील, जबकि तुम खुद बाकी नहीं रहने वाले। मैं उन्हीं लोगों को यहां बुलाता हूं जिन्हें यहां से वापस जाना नहीं होता। धोखा, इस धंधे में धोखा। ले जाओ इसे और पुलिस को ऊपर रावट के साथ बंद कर दो। ले जाओ। अरे भाई चंगू बंगू, एक चुरुट पी लूं। चुप साला चुरुट की औलाद, चल। बैग इधर ला। तुम भी आ गए, बैठो। हाँ तुम भी पुलिस का मुख भी बनाएगा, लेकिन क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। पुलिस ना तो रॉबर्ट को बचाएगा ना तुमको। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है और मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। अरे चलो जल्दी करो। अभी नहीं, दरवाजे पे पहरा है। अपन का डैडी अंधा है, उसको मालूम नहीं कि हम बुरे धंधे में फंसा है। इतना टाइम हो गया हम उसे कुछ पैसा नहीं भेजा। इधर बन पड़ के माल खरीदा है, पैसा कैसे भेजेगा? और मालूम तुम अजी भाई साहब, ये नोट आपका है क्या? किधर? ये नोट, ये नोट। जान की खैरियत चाहता है तो चाबी ला। चाबी ला। हम माचिस ढूंढ रहे हैं, आप लोगों के पास माचिस है? बाप से मिले भगारी चले जाओगे? गोलियों से छलनी करके समंदर में फेंक दो। मौत के किनारे खड़े हो जाओ। अरे विलेन लोगो, मरने से पहले इस हीरो को ये सिगार तो पी लेने दो। भैया मैं तब से चिल्ला रहा हूँ, तुम लोग तो हमारे सुनते ही नहीं। क्या करूं मैं? पी लेने दे यार, जब से यहाँ पे आया सिगार सिगार चिल्ला रहा है। पी ले पी ले। Thank you.
रॉबर्ट, तुम्हें भगवान माफ कर देगा। रॉबर्ट, इस गैंग के लीडर का नाम बता दो। रॉबर्ट कौन है वो? कौन है वो रॉबर्ट? साकिया। तरमपुर। तरमपुर। साकिया। तरमपुर। वेल वेल माय बॉय, यू हैव डन वंडरफुल जॉब, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। मगर दुख इस बात का है कि मैं अपने इन्फॉर्मर रॉबर्ट को नहीं बचा सका सर। पर तुमने कोशिश तो की। साकिया का नाम जानने के लिए मैं अपनी और तुम्हारी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार था मिस्टर सुनील कुमार एसएसपी। रॉबर्ट के बारे में तुम जरा भी न सोचो। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। इस देश के इतने बड़े समाज के दुश्मन का पता लगाकर तुमने इस देश में पैदा होने का हक साबित कर दिया है, और मुझे यकीन है कि एक दिन साकिया को गिरफ्तार भी तुम ही करोगे। सर, मैं आपका यकीन कायम रखूंगा, लेकिन मुझे साकिया की फाइल मिल सकती है? क्यों नहीं, समझ लो फाइल मिल गई। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाय डैड। हाय सुनीता। टेलीफोन करने की क्या जरूरत आन पड़ी? मैं तो ये कहना ही भूल गई कि आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, तो डिनर उसी के साथ होगा। घर कब तक आओगी? डिनर के बाद 9:30 बजे का शो देखने का प्रोग्राम है, उसके बाद आ जाऊंगी। ओके डैड। ओके ओके। सर, अब मैं भी इजाजत लूं। क्यों, जल्दी में हो? नहीं सर, जल्दी में नहीं हूं। वो सुन, मेरा मतलब। अरे भाई, कुछ देर बैठो, गपशप करेंगे, फिर डिनर के बाद चले जाना। अच्छा सर, डिनर के बाद? सर हाँ, डिनर यानी खाने के बाद। सर, बात दरअसल ये है कि आज मेरी एक सहेली का बर्थडे है। ओ, सहेली का बर्थडे है? यस सर। नहीं सर, मेरा मतलब कि आज मेरे एक दोस्त का बर्थडे है। अच्छा, और उसके बाद 9:30 के सिनेमा का शो? यस सर। आपको कैसे मालूम सर? बरखुरदार, मुझे सब मालूम है। कौन सी लड़की है, कौन सी सहेली है, किसका बर्थडे है, अब तुम मेरी बेटी सुनीता से छुप छुप कर कैसे मिलते हो सर? लेकिन एक बात का ख्याल रखना, साकिया वाली बात सुनीता के कानों तक न पहुंचने पाए। सर, मैं अपने फर्ज की जिम्मेदारी को अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, साकिया का मामला तय कर लें, उसके बाद एक दिन बैठ कर आराम से तुम्हारी शादी की तारीख तय कर देंगे। ठीक है सर, यू कैन गो। क्या नाम है बेटी? सुनीता। ठीक से देख लो माँ, ना पसंद हो तो साफ साफ कह दो, दूसरी ले आऊंगा। ऐसी बकबक करके सिर खाता होगा तुम्हारा भी। अरे माँ, जब इसे पता चला कि भगवान के आशीर्वाद से तुम हो, तभी तो मुझसे शादी करने की राजी हुई है। मतलब 4 IAS अफसरों को, 3 उद्योगपतियों को, 2 पायलटों को और 1.5 फिल्म वालों को सिर्फ इसलिए ना कर दी है कि वो बिन माँ के थे। इसे माँ की सेवा करने का बहुत शौक है। अच्छा, मैं अभी आई, तब तक तुम चाय बनाओ। मेरी चाय में 3 चम्मच शक्कर डालना। हाँ, मेरी चाय में चीनी बिल्कुल मत डालना, सिर्फ जुठाल दो, मीठी हो जाएगी। कितनी सुंदर लग रही हैं आप। ए माँ, देखो मुंह चढ़ा रही है। अरे ये क्या कर रहे बेशम? होने वाले पति पे हाथ उठाती है। माँ, माँ मारती है मुझको। हाँ। क्यों परेशान कर रहा है उसे? अरे माँ, लो बेटी पहन लो। माँ जी, जब ये 3 बरस का था तब से इसकी बहू के लिए गहने बनवाने शुरू कर दिए थे हम लोगों ने। एक कंगन भी बनवाया था, वो तो इसे पाल कर बड़ा करने में पेक गया। इसे मैंने बचाए रखा। इसके पिता की तरफ से इसे स्वीकार कर लो बेटी। पिताजी के पांव तो तुम छू नहीं सकती। मैं भी जब पिताजी के पांव छूना चाहता हूं तो मां के ही पांव छू लेता हूं। देख लो, तुम्हें देखकर पिताजी खुश हो रहे हैं। बहू पसंद आई पिताजी? बेटा, जो लोग चले जाते हैं इतना याद क्यों आते हैं? लगता है जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं। आराम जाने, तू चल के मर क्यों लेगा? सारा टेन का इतने साथी मारे गए, लाखों का माल तबाह हो गया, और हमें क्या मिला?
तेरा जला हुआ चेहरा और ये नकली फाइल। रॉबर्ट भी हाथ से निकल गया। रॉबर्ट तो मर गया जी। लेकिन मरने से पहले उसने पुलिस को क्या क्या बताया है तो कौन जानता है। खैर तुम देखे जा चुके हो, अब तुम्हें यही फैक्ट्री में रहना पड़ेगा। पुलिस का कोई भरोसा नहीं, कहां से किधर से किस रूप में आ जाए। हेलो उधर, ओ भाई। अरे मोरी मिट्टी माँ मिल गई जवानी। हाय राम, शिवपुर आ गया का? अरे आपको कितना टाइम बताना मांगता है भाई, शिवपुर से ये गाड़ी आ रही है, शिवपुर जा नहीं रही। चलो उतरो यहाँ पर। अरे भाई ये धर्मपुर है, तोहार के शिवपुर जाना है ना। हाँ तो बस इधर ही उतर लो, हर आधे घंटे पर शिवपुर के लिए बस छूट आता है, बस लपक लो। यानी पतली गली से निकल ले। बिल्कुल निकल लो, निकल लो। अरे मोरी मिट्टी माँ मिल गई जवानी, हाय राम, ये बस वाला झपक लेगा। जाने दो। शिवपुर क्या गौना लेने जा रहे हो? अरे भाई हमार किस्मत में गौना कहाँ लिखा है, सिर्फ ठरक लिखा है ठरक। हम तो जात रहे रोजगार की तलाश में। अच्छा अच्छा गुरु सुनो, सुना धर्मपुर में भी रोजगार का बहुत प्रबंध है, तुम कहो तो टिक ले, अगर तुहार तो मशवरा हो तो। ट्राई करन में हर्जी क्या होता है, तुहार नाम का है? हमार नाम, हमार नाम है भोला नाथ चतुर्वेदी बनारस वाले बाल ब्रह्मचारी वल्द, त्रिवेणी प्रसाद चतुर्वेदी बनारस वाले वल्द, बाल मुकुंद त्रिवेदी बनारस वाले वल्द। बस 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 मत करो जल्द। हमार नाम बाके है, होटल हनीमून के नीचे पनवा की दुकान वहा है, है? होटल की मालकिन रोजी बरबूजा, क्या मजे की चीज है, शेरनी है शेरनी। अबे साले बेवड़े, कौन है? रोजी रोज का हिसाब रोज करते चल। अरे अब छोड़ना। चल बाल बीड़ी की औलाद, रोजी के होटल में मुफ्त खाने से जूते भी मुफ्त में खाने पड़ते हैं। ये अंडे। अरे बड़े प्रताप मोहन, उतारो साले के कपड़े और बेच डालो। उतार कपड़े। अरे वाले कपड़े उतारो, लेकिन इनके सामने नहीं। बाजू वाले रूम में चल, बाजू वाले रूम में चल, नीचे चढ़ते नहीं। अरे 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 चल चल सीधी तरह, 50 रुपए निकाल। दूंगा बोला, दूंगा उठा के। जेब इधर है, इधर है, ये 50 रुपए, ये छुट्टे पैसे। आप कपड़ा पहन के जा सकता हो ना? चल जा जा। तो जा ही तो रहा हूँ, लेकिन तुझे देख लूंगा। अरे जाना, अरे तेरे जैसे समोसे बहुत देखे। अरे जाना। अभी तो खाना खाने आया है ना, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद पैसे दे दे रहा। अरे मर गए। अरे मोरी मिट्टी में मिल गई जवानी, हाय राम, ये लड़की है कि बड़े का छत्ता? अरे ये बड़े का छत्ता नहीं बड़े भाई, ये तो शहद की मक्खी का छत्ता है, पर गुड़ का सा दिल है इसका, सोंगा और बनारसी पान की तरह मीठा। वो नहीं रही है नया मुर्गा। मुर्गा? मुर्गी का पति मुर्गा? अरे मेम साहब हमसे पूछो, हम बतावत हैं, हम हैं, हमें भोलेनाथ ब्रह्मचारी बनारस वाले हनुमान भक्त, जिस्म के सख्त, दिल के गरम, जुबा के नरम, आंखों में शर्म, चना जो हो रे गरम। थोड़ा ज्यादा हुआ, तनिक ज्यादा हो गया। बात नहीं, आप अपना भी परिचय दे दो मेम साहब। अपन का नाम रोजी है। रोजी? अरे अरे रोजी, हम तो आप ही के तलाश में निकले थे। हाँ अरे मत डाल, अरे घुमा फिरा के बात मत कर। घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे मेम साहब, बात यह है कि हम बेकार आदमी हैं, रोजी रोटी के तलाश में निकले थे, तो रोजी तो मिल गई, आधा काम बन गवा, अब रोटी भी मिल जाएगी भैया। क्या बकवास कर रहा है साला? साला भारतीय नारी और साला। अरे बिटिया बहुत खैरियत हो गई कि तुम छोकरी हो। रोजी मेम साहब, हमरी तो ये राय है कि आप होकर रख लो ऊपर के काम के वास्ते। ऊपर के काम के वास्ते? अरे हमको यहाँ रख लोगी मेम साहब तो बड़ी चकल्लस रहेगी। ए तुमको काम देने को कौन बोला? अरे काम देने को आज नहीं बोला तो कल तो बोलोगी ना मेम साहब, रोजी से रोजगार ढेर दूर थोड़ी रह सकता है। अरे भैया बांके बिहारी वाजपेयी, चल अपने पैसा से यहाँ चाह तो पी सकते हैं ना। अरे अरे एक कप चाह भेजना, जल्दी से लाना भैया बाल मुकुंद। हमारी कार के सामने स्कूटर पार्क करने की हिम्मत किसने की? स्कूटर पहले स्टैंड पे खड़ा था साहब। चुप। अबे ओ शिवाज निकल के दो बोतल गाड़ी में रख। अबे उधर क्या देखता है? उसको मत मारो, नया आदमी है वो। ये लो 750 रुपया, दाम बढ़ चुका है। अकाउंट में लिख लो। अकाउंट तो पिछले बरस का पुन नहीं मिला। अबे विनोद,
इस लड़की के तेवर बहुत हैं। तो ऐसा कर, 750 बार प्यार कर ले। क्या भरी जवानी है। क्यों रे? साले। अरे, अरे मोरी मिट्टी में मिल गई जवानी। हाय राम। कौन है बे? अरे तुहार बाप है। वैसे हम आदमी बहुत सीधा साधा, लेकिन अगर हमारी बात लगी हो ज्यादा तो हे साहब के प्यादा, इतना बताओ हमको कि अपना पूरा परिचय दे कि आधा। पूरा परिचय दे बदतमीज। अरे भैया पूरा परिचय नहीं संभलेगा तुम दोनों से। एक काम करो, ई बखत आधे परिचय से काम चला लो। लो ऐसे लोगों से व्यापार करने में घाटा ही घाटा है। हाँ, अरे ई का मैम साहब। बनारसी, आज तुमने अपन की इज्जत बचाई, इसका एहसान अपन जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अरे एहसान काहे का मैम साहब, मुसीबत में काम आने ही का तो तनख्वाह पाते हैं ना। तनख्वाह? अरे मैम साहब तो का अब भी काम नहीं दीजिएगा हमको? अरे मैम साहब एक काम कीजिए, ई जो नुकसान हुआ है ना, हमारे तनख्वाह में से हर महीने 50-50 रुपए करके काट लीजिएगा। और मेम साहब एक बात बताइए, उमदा शरीफ जात कौन था? राय साहब का अखलौता लड़का। पता नहीं, राय साहब जैसे देवता आदमी के घर में शैतान किधर से पैदा हो गया। इस इलाके में वो हाथ किसके पास है जिन्होंने हमारे इकलौते बेटे पर उठने की हिम्मत की? ये सब हुआ कैसे? डैड बात ये हुई कि हम बियर पीने के लिए बाहर में गए तो वहां की एक लड़की के साथ कुछ बहस शुरू हो गई। एक अजनबी वहां बैठा हुआ था जो बीच में टपक पड़ा और बिना कुछ कहे सुने झगड़ा करना शुरू कर दिया। इतनी सी बात पर कौन था वो आदमी? जाने दीजिए, छोटे आदमियों के मुंह लगने से आप ही की बदनामी होगी। नहीं उमेश, मैं इस इलाके के हर आदमी को यह अच्छी तरह समझा देना चाहता हूं कि मेरे बेटे पर उठने वाले हाथों का क्या हशर हो सकता है। ले आओ उस आदमी को मेरे सामने। भाई साहब, यही है वो बदतमीज जिसने बलदेव पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। कोशिश नहीं साहब, हाथ उठाया और तमीज सिखलाने की कोशिश किया। तुम्हारी ये मजान है। अपना हाथ ही जेब में रख लो। अभी हमारी मजाल देखा कहा है आप? 52 हाथ की है, हल्लक से झांके लगेगी। मेरे बेटे की तरफ जो हाथ उठता है वो काट दिया जाता है।
हम लकड़ी का हाथ लेके नहीं आए साहब। अगर यकीन ना आए तो अपने बेटे से कहिए कि एक बार फिर से उधरे का रुख करे और रोजी मेम साहब से बदतमीजी करने की कोशिश करे। खन के गाड़ न दे तो हमारा नाम भी भोला नाथ बनारसी नहीं। कोई लावारिस नहीं है साहब, मुदा हम क्या करें। बाप समान आदमी पर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन इतना सुन लीजिए, औरत की इज्जत कहां समान होती है। एक बार टूट जाती है तो टूट जाती है, फिर जुड़ नहीं सकती। रोजी मेम साहब आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहू हो सकती है साहब। चले जाओ यहां से, चले जाओ। ठीक है साहब। जाने उसे क्यों छोड़ दिया है, लेकिन उस कमबख्त कवार को सजा जरूर मिलनी चाहिए और वह सजा तुम दोगे। बनारसी, तुम इधर क्या करता है? वो महल को देख रहा था। हाँ, फिर तो बड़ा खानदानी महल होगा। सुना है राय साहब ने बहुत पापड़ बेला है उस महल तक पहुंचने में। धंधा का है राय साहब? फैक्ट्रीज है, बोट्स है, शिप्स है। बोट और शिप भी है? करोड़ों का बिजनेस होता है स्टीमर से। और का का होता है? तुम्हारा सर होता है, बातों में लगा दिया ना। चलो जाके सो, कल मेरे को तुमको शॉपिंग पे लेके जाने का है। चलो चलो ना। अरे हे राम बजरंग बली, अरे हम ही मंजर नहीं दे सकते हैं, आप हमको कहाँ लेकर आ गए रोजी मेम साहब? छी 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 छी। अरे छी छी काय करता है, खाने का टाइम कैसा लगता है यार? अरे हाय कैसा लगता है, चुप है। अरे इन्हें बता दो कि हम शाकाहारी हैं 100%, काशी के ब्राह्मण ब्रह्मचारी हैं, मछली और मछली वाली को 7 पीढ़ी तक हाथ नहीं लगाते, खदेड़े गंगा जल से आंख धोते। ज्यादा बकबक मत कर बनारसी, अपन मंदिर नहीं होटल चलाता है और कस्टमर लोग दारू के साथ बैंगन का सब्जी नहीं मांगता, मुर्गी मच्छी मांगता है। चल ए सुजाता, सुजाता हो, जब भी ये सामान लेने आए तो इसे दे देना, ये मेरा आदमी है, ये ले। अबो भैया, ये तेरा आदमी है? हाँ, और नहीं तो क्या, तेरा आदमी। मेरा मतलब है हम रोजी मैम सब का काम करते हैं। ए माजी घे ना ताजी पापले टेट बस। ए पिची आवडत नाही तर माझी सफेद पाणीची पापलेट घे ना। ए हात लावून बस, माझी सुरमई ताजी आहे ताजी। हलवा दे हलवा। हलवा? अरे घे ना। अरे नाही, अरे सुरमई घे ना। अरे माझी अम्मा, अम्मा।
अगर मुझे कुछ नहीं देखना है रोजी मैम साहब, मुझे कुछ नहीं देखना है। हम बाल ब्रह्मचारी आदमी है छोकरिया, अरे यहाँ के हवा में सांस लेने से हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। हम इन मछलियों में नहीं फंसने वाले।
भी हो छी छी कैसी ये बातें, तुमको शर्म लाज बिल्कुल नहीं। मैं तो अभी से हूँ पानी पानी, क्या हो जो कुछ हो जाए कहीं। करती हो छी छी कैसी ये बातें, तुमको शर्म लाज बिल्कुल नहीं। मैं तो अभी से हूँ पानी पानी, क्या हो जो कुछ हो जाए कहीं। गोरी मारो नहीं बंदा, सीधा सादा मैं हूँ बंदा, सीधा सादा मैं हूँ बंदा। ये क्या जाने राम का गोरख धंधा, मैं का जानू राम का गोरख धंधा, मैं का जानू राम का गोरख धंधा, मैं का जानू राम का गोरख धंधा। अरे तुम कब आए बेटा? अरे रोजी, बत्ती जला दिया ना? अरे रॉबर्ट, रॉबर्ट तुम बोलते क्यों नहीं हो? हम तुमसे खफा नहीं है, हाँ? सच, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, सच रॉबर्ट। लेकिन तुम रॉबर्ट नहीं हो? रोजी, he is not रॉबर्ट, he is not my son. कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? कौन हो? रोजी, he is not Robert. कौन हो तुम? रोजी, दीप, देखता है, देखता है। रोजी, बोला। रॉबर्ट आए तो उसे कहना कि हमने उसका बहुत इंतजार किया, और रोजी रॉबर्ट के आने तक हम तुमको भला के हवाले करते हैं। भला गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस पापा। पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर तिवारी। जी हाँ बोल रहा हूँ। मैं राय साहब बोल रहा हूँ। नमस्ते। बलदेव की बेवकूफी की वजह से हनीमून होटल में आग लग गई है। बलदेव के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाने आए तो मैं देख लूंगा मित्तल साहब। अच्छी बात है। नमस्ते। क्यों मैं? ये तेरा बाप का घर है जो धड़धड़ाता चलाया? रिपोर्ट लिखवाया है। वहां दीवान जी के पास जा। वो ना ही लिख रहा है। रिपोर्ट क्या है?
पट तो बिल्कुल जरा सी है। मित्तल साहब ने रोजी की दुकान में आग लगवा दी है। अबे पूरी बात तो सुन लो, वो आग में रोजी का बाप चल के मर गया है। मैं ये बेसर पर की रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। अरे ना ही लिखिए तो हम यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक जाके देता। क्या सबूत है तेरे पास? ये रिपोर्ट के टाइम सबूत पूछेगा कानून कब से बन गया साहब। अच्छा कानून भी जान गए, तो जाता है कि नहीं? अच्छा हम तो जरूर चले जाएंगे साहब, लेकिन आप भी कुर्सी पे ढेर दिन ना ही रहे वाला हो। बाद में ना ही कहना कि कोई हमसे बोला नहीं, समझ गए? ये कुर्सी बाप का नहीं है, सरकार का है, सरकार का। जय हिंद। साला चूजी की औलाद। रोजी मेम साहब, याद करने से कोई फायदा नहीं है। हम बिल्कुल अकेला हो गया बनारसी। पापा गुजर गया, रॉबर्ट गुम हो गया, और हम याद करने के वास्ते और रोने के वास्ते रह गया। नहीं नहीं मैम साहब, रोने से कोनो फायदा नहीं है। देखो आप बहादुर छोकरी हो, हा? एक बात हम कल रात से सोच रहे थे कि आपके डैडी को मारने वाले हमारी तलाश में आए रहे, हम ना ही मिले तो आपके डैडी पर हम ना बोल दिया। तो हम कहा सोचे थे कि हमारे यहाँ रहने से आपकी जान को भी खतरा है। तो तुम भी भाग जाओ, ज्यादा से ज्यादा वो लोग हमको भी मार डालेगा ना। तो मार डाले, इधर जीना कौन चाहता है? बनारसी अगर तुम भी चला गया तो हम तो बिल्कुल बेसारा हो जाएगा। नहीं नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे रोजी मैम साहब। रोजी रोजी, मैं तुम्हारे बाप की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुमसे ये कहने आया था कि तुम अपने आप को बेसहारा मत समझना। आपसे किसने कह दिया साहब कि रोजी मेम साहब भीख मांगने लगी? इनके गम तकलीफ को अपने धन की गाली देते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? बटोरी अपने ये सब कूड़ा करकट बटोरी है। मैं तुम जैसे आदमियों से बात करना पसंद नहीं करता। बात नहीं कर सकते तो सुनिए, आपका पैसा गया तेल बेचने। हम माइकल साहब के कातिल को कभी क्षमा नहीं करेंगे। कमाल है, पहले तो आग लगवा दी और अब चले हैं जलों पर रुपयों का नमक छिड़कने। तुम पर गुस्सा करके मैं अपना अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन जिस वक्त आग लगी थी मैं उस वक्त यहाँ नहीं था, आज ही आया हूँ मैं। सर पुलिस उन बदमाशों का पता लगा कर ही रहा। अरे सवाल नहीं पैदा होता, यहाँ की पुलिस तो किसी खास की मुट्ठी में है। क्या नाम है तुम्हारा? अरे हाँ भोला। खाली भोला नहीं साहब, श्री भोला नाथ बनारसी। तुम्हें अपने आप से दुश्मनी करना होगा था। धमकी दे रहेगा? मैं कभी धमकी नहीं देता, सिर्फ हुक्म देता हूँ। इसे माफ कर दीजिए साहब, हम गरीब लोग हैं, अपन लोगों को अमीर लोगों से बात करना नहीं आता। लेकिन बनारसी एक बार ठीक बोला, रोजी ये रुपया नहीं लेगी। बाप तो बाजार में खरीदने की चीज नहीं, फिर ये रुपया किस काम का? मेरी तरफ से चर्च को दे देना। बार बार तोरा जन्मदिन आवे, हर बार भाग के पाने लगावे, तू पैदा हो हर शनिवार, ही हमरी है आरजू। अरे अरे बाके, सब खैरियत तो है ना? अरे ऐसी खैरियत साल में एक बार ही क्यों आवत है भैया, जब 2500 पान का बीड़ा लगत है। अरे ये राय साहब के लाडले बलदेव सिंह की सालगिरह है और हमरी तो चांदी हो गई है भैया, चांदी। अरे भैया बाके,
हम आज तक कोनो बड़ा आदमी का दावत में शरीक नहीं हुए हैं। तो एक काम करो, कोनो तरकीब भिड़ाए के हमका उस दावत में शरीक करवाए दो और इमाम साहब को भी लपक लेंगे भैया। अरे भाई देखो, अरे कभी कभी तो हनुमान जी के भगत की बात भी मान लिया करो भाई। दावत में चलना तो बहुत है बाकी। नहीं जाने का अपुन को, पहले बोला आग बलदेव लगाया, अभी उसके बर्थडे पार्टी में जाने को बोलता है। छी, इसलिए बोल रहा हूँ रोजी मेम साहब कि जिसने हमारे घर में घुस के आग लगाई है उसके घर में हमें भी तो घुसना पड़ेगा, शायद कोनो सबूत मिल जाए। बनारसी, हमारे लिए इतनी मुसीबत काहे को उठाता है? हम कौन लगता है तुम्हारा? मेम साहब, आप हमको गलत समझ रहे हैं। ठीक है, हम चलेगा। क्या ये मिस्टर जैन? जय राम जी की सरकार। हम आपसे माफी मांगने आए हैं सरकार, उस दिन हमसे बड़ी गुस्ताखी हो गई जो हम आप जैसे देवता आदमी के साथ बदकलमी कर बैठे। लानत है हम पे। का कहते रहोगा अंग्रेजी में? अंग्रेजी हो या हिंदी, सब मां लानत। लानत। माफ कर दो साहब, दोबारा ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेंगे, तो हम अंदर जाएं सरकार? ठीक है जाओ। अरे निकल लो पतली गली से। लपक लो भैया जल्दी से, लपक लो। ये क्या किया आपने? इसे अंदर क्यों जाने दिया? इसे क्यों जाने दिया? मैं खुद नहीं जानता। डैडी नजर नहीं आ रहे। 25वां बर्थडे है ना, किसी खास तोहफा लाने की फिक्र में होंगे। अपने सब दोस्तों को बुलाया। जन्मदिन मुबारक हो बेटे, आशीर्वाद दीजिए डैड। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हाय मामा, थैंक्स। बेटे ये तोहफा मैंने आज के दिन के लिए बचा के रखा था, ये मेरी और तुम्हारी मम्मी की तरफ से। डैड, इट्स ब्यूटीफुल। अरे हे साहब जी, जन्मदिन के शुभ मौके पर हम लोग तशरीफ लाए हैं, ये तो हमारे हाथ से फूल स्वीकारेंगे नहीं, आप ही दो लफज सिफारिश का टांग दो इनको। बेटे आज के दिन दुश्मन को भी माफ करते हैं, इनके फूल स्वीकार करो। वाह सेठ जी वाह, ई लो, जन्मदिन मुबारक हो और मेनी मेनी कौन सी कहते रहे? मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे। डे। अब हजूर आपका इजाजत हो तो हम लोग थोड़ा खुशी का इजहार कर ले ऐसे मौके पे। खुशी का इजहार कैसे? मैंने कुछ नाच के गा के। हाँ जरूर। हम खुश हुए। थैंक यू डैड। ये कोई बात नहीं, महल के रंगीन नजारे बंठन के बैठे हैं जानी हमारे, जियो जियो प्यारे क्या ठाट है तुम्हारे, जियो जियो प्यारे क्या ठाट है तुम्हारे। रंग महल के रंगीन नजारे बंठन के बैठे हैं जानी हमारे, हे जियो जियो प्यारे क्या ठाट है तुम्हारे, हे जियो जियो प्यारे क्या ठाट है तुम्हारे। रंग भरे फुलवा का ले लो नजराना,
रंग भरे फुलवा का ले लो नजराना, मगई महो बेका पान सुहाना, पान खाओ जानी तो लूट लो जमाना, हे पान खाओ जानी तो लूट लो जमाना। बाबू हमारे पास चांदी न सोना, आए गए हम तो प्यार के मारे, हे जियो जियो प्यारे क्या ठाट है तुम्हारे, हे जियो जियो प्यारे क्या ठाट है तुम्हारे। रंग महल के रंगीन नजारे, बंधन के बैठे हैं जानी हमारे, हे जियो जियो प्यारे क्या ठाट है तुम्हारे, हे जियो जियो प्यारे क्या ठाट है तुम्हारे। ऐसा कभी प्यार से चलेगा हमरा चतुआ, कैसे ऐसे तुम्हारे गले से ये बाहों का फंदा, तुम्हारे गले से ये बाहों का फंदा, उतरे नहीं हुई लाख उतारे। हे जियो जियो प्यारे क्या ठाट है तुम्हारे, हे जियो जियो प्यारे क्या ठाट है तुम्हारे।
हेलो सर, मैं सुनील बोल रहा हूँ। सर कैसे हो तुम, सब ठीक ठाक है? जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक ठाक। यही हनीमून होटल में मैनेजरी कर रहा हूँ सर, किसी को कोई शक भी नहीं हो सकता। ओह दैट्स वंडरफुल वंडरफुल। और सर कुमार जिंदा है। व्हाट? हाँ सर, आग में जलने की वजह से उसका सारा चेहरा बिगड़ गया है, फिर भी मैंने उसे पहचान लिया। वो राय साहब के साथ था सर। राय साहब कौन? राय साहब यहाँ वालों के लिए छोटे मोटे से भगवान है। और तुम्हारे लिए? सर कुमार के साथ होने का मतलब है कि राय साहब का साकिया से कुछ ताल्लुक हो सकता है, पर इस स्टेज पे मैं यकीन के साथ कह नहीं सकता। थैंक यू सर। सर और वो जी वो मेरा मतलब कि वो हाँ हाँ हिचकिचाने की जरूरत नहीं, सुनीता बिल्कुल ठीक ठाक है। और कुछ पूछना है और कहना है? Then good luck and goodbye. It's not fair, Daddy. आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि सुनील ऑफिसर है? तुम्हें मेरा फोन नहीं सुनना चाहिए था। I'm sorry, Daddy. लेकिन मैंने इस ख्याल से फोन उठा लिया कहीं आप जाग ना जाएं। लेकिन जब मैंने सुनील की आवाज सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। बेटी हाँ, एक बात का वादा करो, ये बात तुम अपने तक ही रखोगी। एक शर्त पर, मुझे सुनील से मिलना होगा। इम्पॉसिबल बेटी, इट इज इम्पॉसिबल। अरे बात डाल रहे है? अरे ये घंटी से काय खेले थो मैम साहब, बोलो का चाहिए। पहले आप बोलो, आपकी तारीफ? हम अपने मुंह से का तारीफ करें मैम साहब, अल मुख्तसर ये है कि हम ये होटल के मैनेजर हैं और हमारा नाम है भोलेनाथ बनारसी। पान को शौक फरमाएगा? शौक तो हम फरमाते नहीं, लेकिन खाए को कहिएगा तो जरूर खा लेंगे आपकी खातिर। खाली मैनेजर के नाते पूछ रहे हैं, कहाँ सेवा करें हम आपकी? मुझे एक एयर कंडीशन रूम चाहिए। एयर कंडीशन रूम तो इस होटल में नहीं है, वैसे बाकी सब कमरा कंडीशन में। क्या मुसीबत, खैर मुझे एक अच्छा सा रूम ही दे दीजिए। अकेले रहिएगा? क्या इरादा है? का बात कर रही मैम साहब? अरे हम हनुमान जी के भगत हैं। ये लीजिए रजिस्टर और नाम पता भर दीजिए। ओफो मैं तो थककर चूर हो गई हूँ, अल्लाह गारत करे इस रस्ते को। रजिस्टर लेकर मेरे कमरे में आ जाइए, वही नाम पता भर दूंगी। आइए चलिए। अरे आग लगी मेरी जवानी माँ, ऐसा मत कीजिए, आप बहुत थक गई हैं, सीधा सीधे चलिए और कमरे में चलकर लेट जाइएगा। आइए चलिए अंदर। आइए। अरे मोरी मिट्टी में मिलकर जवानी हरम, बहुत शानदार कमरा है, बहुत शानदार कमरा है। अरे बाप हाँ, बहुत ताजी हवा अंदर आती है और ताजी हवा का हम बिल्कुल अलग से चार्ज नहीं करते। हाय राम, हम 22 रुपया रोज का किराया है इधर का, 22 रुपया। और है देखो, है देखो, अरे ई का कर रही साहब आप, है ई का कर रही है, अरे हम बदनाम हो जाएंगे साहब। ये देखिए, ये देखिए, देख लिया? मैं कहता हूँ कि आप ये दरवाजा फौरन से पेस्तर खोल दीजिए, नहीं तो मैं शोर मचा मचा के सारे मोहल्ले वालों को बुला लूंगी। बुला लूंगा मेरा मतलब है। अरे जालिम जालिम, इसको कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ा आठाना, जालिम हो गए हम। शोर क्यों मचाता है रे? रे। मेरे पहलू में आना ना। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है। इज्जत पर हमला? देखो जी आप चाहे हमारा जान ले लो, लेकिन हम हाथ तो नहीं पकड़ेंगे। क्यों? हाय फिर हो गया क्यों? बात दरअसल ये है मैम साहब, इधर आओ। का है, हम आपकी तरह तो है नहीं, हम एक शरीफ आदमी है। क्या मेरा मतलब है कि हम इस ससुरी होटल के वास्ते अपनी मंगेतर से बेवफाई तो नहीं कर सकते। अच्छा अगर वो इस वक्त यहाँ आ जाए तो? भाई तो हम उसका हाथ भी पकड़ लेंगे और उससे प्यार भी कर लेंगे। लो आ गई। हे तुम यहाँ कैसे आ गई? बस आ गई और यहाँ आकर देखा कि तुमने मुझे बिल्कुल पहचाना ही नहीं। आधे घंटे से कमरा दिखा था, अब भी देखती हूँ। मैं पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में ठहरी हूँ। ठीक है मैं शाम को वहीं मिलने आ जाऊँ। बनारसी दरवाजा खोलो। दरवाजा बंद करके कमरा दिखाता है बेशरम। मुझे दरवाजा बंद करके कमरा देखने की आदत है। इनको आदत है, मुझे नहीं, इनको आदत है। ए छोकरी तुमको शर्म नहीं आता?
ऐसा छोकरी के लिए इधर कोई कमरा बड़ा खाली कोई कमरा खाली नहीं, बाहर निकलो। आइए मैम साहब, इनकी कोई गलती नहीं, बंद हुए में सरासर दरवाजे की गलती रही, धड़ाम से बंद हो गया, बड़ी मुश्किल से खुला मैम साहब। तुम चुप रहो, अभी बाहर चलो, तुम्हारा खबर लेता है। हेलो मैनेजर साहब, एक मिनट, मेरा बूंदा इनके कुर्ते में अटक गया था। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अरे मुफ्त हुआ बदनाम सवरिया, तोरे कारण इसको कहते हैं मिट्टी में मिलकर जवानी है। राम राम का बच्चा, ये बूंदा होता के बहादुरी का मेडल। बहादुरी का मेडल बूंदा बूंदा गंगा जमुना पिक्चर दिखाता होता क्या? ढूंढो रे ढूंढो। उसको गंगा जमुना का गाना याद था, उसने सवालों की वो बौछार शुरू कर दी। मैं ये पूछ रही हूँ कि वो मेरी परछाई की तरह हर वक्त तुम्हारे पीछे क्यों लगी रहती है? उसका नौकर हूँ यार, वो चाहती है कि मैं इश्क ज्यादा करूँ और काम कम। अच्छा अच्छा, तो आप इश्क भी करते हैं? जनाब निहायत ही तंदुरुस्त कस्म का इश्क है हमारा, यही करीब 40-45 किलो का होगा। बदन बहुत अच्छा था। मैंने फैसला किया कि शादी के बाद रोज 2 घंटे मुखिया लगाऊंगा। थैंक यू इंद्र भगवान, थैंक यू। ये बिजली भी बड़े काम की चीज है सुनीता। अगर मैं तुमसे गले लगने को कहता तो तुम 1000 बहाने करती मगर गले कभी नहीं लगती। इसलिए मैंने सोचा है कि शादी से ठीक एक दिन पहले अपने घर के हर कमरे में कोई ऐसा गैजेट लगवाऊंगा जो हर 10-10 मिनट के बाद बिजली चमका दे। और क्या क्या प्रोग्राम है? हाय मर गए, प्रोग्राम तो बहुत सारे हैं। फिलहाल इरादा यह है मैडम कि शादी से पहले हिंदी फिल्मों के सारे लव सीन्स करूं। और शादी के बाद? शादी के बाद सिर्फ अंग्रेजी फिल्मों के साथ। तुम जाओ। जाने का जी तो नहीं चाहता मगर। नहीं सुनील, तुम जाओ, सुबह होते मैं भी निकल जाऊंगी। तुम साकिया का किस्सा तमाम करके आओ, मैं वरमाला लिए तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुनीता, अगर मेरा कर्तव्य। हाँ सुनील, मैं तुम और तुम्हारे कर्तव्य के बीच नहीं आना चाहती। जाओ अपना फर्ज पूरा करो। ओके मैडम, एज यू विश। आप थोड़ी मुश्किल में लगती है, हम आपकी कुछ सेवा कर सकते हैं? पता नहीं क्या गड़बड़ होगी गाड़ी में। विनोद देख। श्योर, एनीथिंग फॉर अ फ्रेंड। आप यहाँ की तो लगती नहीं। जी नहीं, ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी, गाड़ी खराब हो गई। यार इसमें तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ मालूम पड़ती है, मेरे तो बस की बात नहीं है। ओह माय गॉड। अरे हमारे होते भवन को क्यों याद करती हैं? आप हमारे साथ चले, यहीं पे एक पेट्रोल पंप है, वहां से आप फोन कर दीजिएगा गैराज को, वो आकर गाड़ी ले जाएंगे। आइए ना। आपको तकलीफ तो नहीं होगी? जी हाँ तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन आपको इस घने जंगल में
अकेले छोड़ के जाना अच्छा भी तो नहीं लगता ना। आइए 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 बैठिए। शुक्रिया। शॉर्टकट ले रहा हूँ। गाड़ी रोको। रिलैक्स बेबी रिलैक्स। गाड़ी रोको, मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सीडेंट, उसकी गाड़ी यहां लाश के पास लाकर लुटका देते हैं। मैनेजर साहब, जरा पुलिस स्टेशन फोन कर दीजिए, मैं तारा झील पर कार नंबर 3978 का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है। कैसे हुआ ये सब? कौन थे वो लोग? डैड, वो जी वो अचानक इतने लोगों ने हम पे हमला कर दिया कि जल्दबाजी में हम लोग किसी को पहचान ना पाए। हेलो पुलिस स्टेशन। यस। एक रिपोर्ट लिखो। रिपोर्ट लिखाने यहाँ आना पड़ेगा। वहाँ आना पड़ेगा? मैं राय बहादुर गोपालदास मित्तल बोल रहा हूँ। रिपोर्ट लिखाने यहाँ आना पड़ेगा चाहे कोई भी हो।
रिपोर्ट लिखाने के लिए वहीं आना पड़ेगा चाहे कोई भी हो। ठीक है आता हूं, अभी आता हूं। कौन बदतमीज था जो फोन पे बात कर रहा था? मैं कौन? मैं एक कंप्लेन लिखवाना आया था। कमाल है, आपकी भी कंप्लेंट होने लगी, लिखवाइए। आज कुछ गुंडों ने मेरे बेटे बलदेव पर कातिलाना हमला किया। कहां? मनोरी के जंगलों में। अब ये नाटक बंद कीजिए मित्तल साहब, बलदेव मनोरी के जंगलों में नहीं था, नयन तारा झील पे था। जब मैं कह रहा हूं कि वो मनोरी के जंगलों में था तो वो मनोरी के जंगलों में था। अगर वो मनोरी के जंगलों में था तो फिर नयन तारा झील के किनारे ये घड़ी कहां से आ गई? जवाब दीजिए, तमीज से बात कीजिए। मैं तमीज से बात करने की तनख्वाह नहीं पाता हूं। अरे श्री गोपाल मित्तल, अगर मेरे हाथों में फर्ज की हथकड़ी न होती तो अब तक आपके बेटे और फिर उसके लाश को गोलियों से छल निकल। अपनी हैसियत मत भूलो। अपनी हैसियत ही तो नहीं भूल पाता हूं मित्तल साहब, नहीं भूल पाता हूं कि मैं कानून का रखवाला हूं, इसलिए कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। जानते हैं आपके बेटे ने क्या क्या किया है उसे? बताता हूं, आइए आइए मेरे साथ आइए। ये देखिए ये किया आपने। आपने गौर से देख लिया मिस्टर मित्तल, अब आप मेरी बात गौर से सुनिए। मैं बलदेव को फांसी दिलाए बगैर चैन की सांस नहीं लूंगा। नहीं, बलदेव ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता। आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता मित्तल साहब, आज तक ये बात मैं मानता हूं, कल अदालत मानेगी, परसों फांसी घर का जल्लाद मानेगा। लेकिन हो सकता है ये मर्डर विनोद ने किया हो, वो भी तो उसके साथ था। हाँ हो सकता है, जरूर हो सकता है, मगर ये कत्ल उस आदमी ने किया है जिसके चेहरे पे सुनीता के नाखूनों ने अपनी जान और आबरू बचाने की कोशिश में खराचे डाली, जिसके चेहरे का खून सुनीता के नाखूनों में भरा हुआ है। आप अपने बेटे का चेहरा दिखाएंगे? मैं अपने बेगुनाह बेटे को एक मुजरिम की तरह तुम्हारे सामने लाने की जरूरत महसूस नहीं करता। कानून के हाथ से डरिए मित्तल साहब। आज तक जो हाथ मेरी तरफ बढ़ा है एसएसपी कुमार, उसे काट दिया गया। मैं आज तक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कल की बात कर रहा हूं, आने वाले कल की मित्तल साहब। प्यार में कोई मिलावट तो नहीं थी? तुम्हारी मम्मी के देहांत के बाद मैंने मां बनने की भी पूरी कोशिश की, तुम्हारे बचपन के सारे आंसू मैंने अपनी आंखों में ले लिए। मैं रातों को जागा कि तुम आराम से सो सको, मगर इस गई रात के सन्नाटे में मैं अपने जवान बेटे से पूछने आया हूं, मेरे बुढ़ापे का मतलब क्या है बेटे? मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो मैं भी नहीं हूं बेटे, इसलिए तो तुमसे पूछने आया हूं।
बाप और बेटे के बीच सिर्फ प्यार ही रहना चाहिए। ये तुम्हारे और मेरे बीच झूठ कहां से आ गया? तुमने मुझसे ये झूठ बोलकर अपनी जवानी और मेरे बुढ़ापे का अपमान किया है बेटे। मैं आज आपसे सच बोलते हुए डर गया था। जिस सच से तुम डर रहे हो वो मैं जानता हूं बेटे। मुझे बचा लीजिए डैड, मुझे मरने से डर लगता है बेटे। मैंने आज तक तुझे कभी रोने नहीं दिया। सुनील, तुम भी वर्दी में हो और मैं भी वर्दी में हूं। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, बिल्कुल सूखी हैं, कोई आंसू नहीं है। रोने को मेरा भी जी चाहता है। सुनीता मेरी इकलौती बेटी थी, लेकिन मैं रोऊंगा नहीं। तुम्हारे इलाके के एक जानवर ने मेरी इकलौती बेटी को रेप करके मार डाला है। उसकी लाश तुम्हारे आंसू नहीं चाहती, अपने अपमान का बदला चाहती है, अपने कातिल के लिए सजाए मौत चाहती है। सुनीता के कातिल को सजाए मौत जरूर मिलेगी सर। पुलिस आई है, पुलिस को मैं देखता हूं। तुम बलदेव को खुफिया रास्ते से नीचे ले जाओ। चलो। यस। क्या है ये? तलाशी का वारंट। मेरे घर की तलाशी? ये घर न मंदिर है न मस्जिद, इस घर ने कातिल को पनाह दी। कोई कातिल है या नहीं इसका फैसला तुम नहीं करोगे। बलदेव बेगुनाह है। बलदेव बेगुनाह है या गुनहगार, इसका फैसला आप नहीं करेंगे जनाब। जाओ, इस घर की तलाशी शुरू करो, और जो कोई रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करे उसे गोली मार दो। में कहीं पता नहीं चला। यह कत्ल का केस है राय साहब। जब तक कातिल को सजा ना मिल जाए यह फाइल बंद नहीं होगी। आप बलदेव को कुछ दिनों तक छुपाए रख सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। जय हिंद। अजीब सर फिरा लड़का, कभी कभी इज्जत करने को जी चाहता है, टूटता है ना झुकता है। झुकेगा भी और टूटेगा भी।
अभी तक हमने पूरी कोशिश ही कहाँ की है। दुनिया के इस बाजार में हर चीज बिकती है अगर दाम ठीक लगाया जाए तो। यह भी बिकेगा लेकिन शायद जरा महंगा बिकेगा। बलदेव की जान से महंगी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। मुझे जानती हैं? मैं भला? मेरा नाम राय बहादुर गोपालदास मित्तल है। राय बहादुर गोपालदास मित्तल? आप सुनील की माँ हैं? मुन्ना, मेरा मतलब सुनील इस वक्त घर पर ना है। आप अंदर आकर बैठिए ना, आता ही होगा। जी नहीं शुक्रिया, मैं जरा जल्दी में हूँ। आप सुनील को सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि राय बहादुर खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे। एक बात अपने बेटे को समझा दीजिएगा, जब मेरा हाथ दोस्ती की तरफ बढ़े तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और अगर दुश्मनी की तरफ बढ़े तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। हरिया की गाड़ी खाड़ी में गिर गई, बहुत तलाश करने के बाद भी उसकी लाश तक नहीं मिली। वही चेहरा, वही चाल, वही आवाज, ए मुन्ना के बाबा, तू हरिया ड्राइवर से राय साहब गोपालदास मित्तल कैसे बन गए? जरूर मेरे साथ कोई धोखा हुआ है। माँ, 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 ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों रो रही थी? ऐसे ही जरा तिनका पड़ गया। राय साहब आए थे। कहाँ? यहाँ? हाँ, दोस्ती का हाथ बढ़ाने। पर क्यों नहीं लेता दोस्ती? इतने बड़े आदमी खुद चलकर आए थे। माँ, मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं टाली, लेकिन इस बार हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उनसे दोस्ती करने के लिए मत कहना। वो आदमी ना दोस्ती करना जानता है ना दोस्ती करना चाहता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है माँ के उनसे दोस्ती करना तुम्हारे बेटे के लिए सबसे बड़ा अपमान हो। मेरी मानो माँ, वो सिर्फ अपने बेटे को कत्ल की सजा से बचाना चाहता है। बेटा? हाँ माँ, वो अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए कहीं भी जा सकता है। इकलौता बेटा? कितना बड़ा है? जवान है, ज्यादा मुझसे 4-5 साल छोटा होगा, मगर आज वो जितना बड़ा है उससे और बड़ा नहीं होता। मैं उसे सुनीता के कत्ल के इल्जाम में फांसी चढ़वाए बगैर चैन की सांस नहीं लूंगा मां, चाहे कुछ भी हो जाए। मां, ये बैग किसका है? उन्हीं का है, शायद भूल गए। भूल गए? वो कोई चीज भूलते नहीं है मां, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो जान बूझ कर अपना ब्रीफकेस यहां छोड़ गए। भूल भी सकते हैं बेटा, लोग तो बड़ी बड़ी बातें भूल जाते हैं, एक बक्से में क्या रखा है? माँ, मैंने कहा ना तुम इस आदमी को नहीं जानती, ये तुम्हारे बेटे से दोस्ती का हाथ बढ़ाने नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे को खरीदने आया है। चला किधर? उन्हें ये बताना बहुत जरूरी है माँ कि तुम्हारा बेटा बिकाऊ नहीं है। हे भगवान, तुम
बैठो, खाना खाओ। मैं रिश्वत देने वालों के साथ बैठकर खाना नहीं खाता जनाब। अरे ये ब्रीफकेस में तुम्हारे घर भूल गया था। जी हाँ, और दोबारा ऐसी भूल ना होने पाए। मेरा घर कोई लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट नहीं और ना ही ईमान बेचने की कोई दुकान है। मेरा ईमान मेरा पेशा ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी है और जिंदगी के साथ ही जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा ईमान तुम्हारी जान के साथ ही जाएगा तो यही सही। मगर मेरी जान इतनी आसानी के साथ नहीं जाएगी राय साहब, और अगर जाएगी भी तो आपके बेटे बलदेव को फांसी के तख्ते पे चढ़ाने के बाद। कमजोर हो गए हो। साकिया के सामने इस पुलिस के छोकरे की हैसियत ही क्या है। इसे खत्म करना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। कुमार, यस जी। आज तक हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, लेकिन यह एसपी सुनील कुमार, शायद उसे हमारी दुश्मनी का अंदाजा नहीं है। खैर, और कोई चारा भी तो नहीं है। खत्म कर दो उसे। मुकेश जी, बनाए होटल में दो कस्टमर लोग बात करता हो तो इधर ही छे। परसों कार्निवल का भीड़ भड़का में भागने का प्लान करता है वो।
प्यार की हथकड़ी। डिस्को स्टेशन डिस्को, डिस्को स्टेशन डिस्को, हो छोड़ो छोड़ो मेरी राहें मेरी बाहें। Thank you.
से बहुत रोकना चाहा सरकार, मगर ये सुनील की माँ है ना। बंद करो ये नाटक। सुनील की माँ नहीं है। क्यों नहीं? मैं उसके बेशरम बाप की तरह छोड़ी हूँ जो अपने खून को पहचानने से इनकार कर दूं और हाथ धोकर अपने खून के पीछे खुद पड़ जाऊं। अब किसकी बात कर रही है? हरिराम ड्राइवर की, जो मेरे सुनील का बाप है। मैं जानता हूँ। अरे नहीं, आप भला कैसे जान सकते हैं? अब आप हरिराम ड्राइवर थोड़ी हैं। अब तो आप ठहरे राय साहब गोपालदास मित्तल, पर तुमको अपनी दौलत से उतना प्यार नहीं होगा जितना मुझे अपने बेटे सुनील से है। अपनी सुनील को इस सिंदूर के बिना पाला है मैंने, और सुनील के लिए इस सिंदूर को मिटा भी सकती हूं मैं। उमेश, उमेश, ये सुनील की माँ है, ये कहती है कि मैं नहीं हूँ कोई हरिराम ड्राइवर हूँ, और इनके बेटे सुनील का पिता हूँ और इनका पति हूँ। भक्ति है, पैसे वालों के रिश्तेदार यूं ही पैदा हो जाते हैं। चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। हाथ लगा के तो देख कमीने, मैं तेरे राय साहब की पत्नी नहीं हूँ, हरिराम ड्राइवर की पत्नी हूँ जिसने मेरी आबरू बचाने के लिए एक आदमी का खून कर दिया था, और अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं भी खून कर सकती हूँ। शट अप। ये भी चुपचाप देखते रह गए। अरे मैं तुम्हारे बेटे की माँ हूँ शांता, शांता जिसके लिए तुम उस दिन हरे कांच की चूड़ियां लाए थे। सुनते हो ए सुनील के बाबा, हम तुरी शांता है रे, तुरी शांता, हम तुरी शांता है रे, तुरी शांता। हम तोरी शांता है रे, तोरी शांता, तुम्हारे बेटे की माँ। हम तोरी शांता है रे, तोरी शांता, तेरे बेटे की माँ। आखिर इंजेक्शन में दूसरे इंजेक्शन का ले आना। कौन सी वो औरत? कौन सी वो औरत? कोई भी थी इस वक्त आप भूल जाइए। बोले इस वक्त आप ये दवाई खा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इस हादसे से हो सकता है इसकी पुरानी याददाश्त वापस लौट आए। इस गोली का असर सिर्फ 12 घंटे तक रह सकता है, इसलिए हमें इंजेक्शन जल्द से जल्द लाने होंगे। तुम ऐसा करो, इसी वक्त शहर चले जाओ और सुबह तक तुम्हारा इंजेक्शन लेकर वापस चले आओ। ओके, जाओ। इलाज के लिए खर्चे की फिक्र मत कीजिए, ये सिर्फ नौकर ही नहीं
एक भरोसे का आदमी भी है और दोस्त भी है। जी कम ऑन। दोस्त? आपने मुझे दोस्त कहा? हाँ दोस्त, तुम फिक्र मत करो, तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हारे बाल बच्चे भी। अरे ये क्या? आपने आप ज्यादा मत बोलो। बोलने दीजिए साहब, जुबान बंद होने से पहले बोलने दीजिए। मैंने आपका नमक खाया है, मैं नहीं वही नमक बोलना चाहता है। मलिक आप साकिया नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं मालिक। डॉक्टर उमेश आपकी याददाश्त न लौटाने की इंजेक्शन आपको दे रहे हैं और इस पाप में मैंने भी उनका हाथ बटाया है। कौन हूं मैं? आज से 25 साल पहले बहते हुए दरिया में से मैंने आपको निकाला था। क्या पता वही औरत आपकी पत्नी हो जो उस रात हवेली में आई थी। अमनस आज से 25 साल पहले बहते हुए दरिया में से मैंने ही आपको निकाला था। क्या पता वही औरत आपकी पत्नी हो जो उस रात हवेली में आई थी। उस रात हवेली में आई थी, क्या पता वही औरत आपकी पत्नी हो। वही औरत आपकी पत्नी हो, आपकी पत्नी हो, आपकी पत्नी हो, आपकी पत्नी हो, आपकी पत्नी हो। हम तुरी शांता है रे, तुरी शांता, तुम्हारे बेटे की माँ। उस दिन तो नौकरों से धक्के मरवाकर अपने घर से निकाल दिया था। राय बहादुर गोपालदास मित्तल, आज मेरे घर में क्या लेने आए हो? मैं कुछ लेने नहीं, पूछने आया हूँ। आपको रह क्या गया है? बहुत कुछ। आज मेरे खास आदमी ने मरने से पहले बताया कि मैं राय बहादुर नहीं हूँ। और उस दिन आप कह रही थी कि आप मेरी पत्नी है। ना कुछ समझ में आता है और ना ही कुछ याद आता है। पहले मैं अक्सर ये सोचा करता था कि मैं कौन हूं, याद करने की कोशिश भी करता था, लेकिन फिर हार गया। जब कुछ याद ही नहीं आता तो सोचने से क्या फायदा। वो लोग भी मुझे याददाश्त तबाह करने की दवाइयां देते रहते थे। लेकिन आप तो जानती होंगी मैं कौन हूं। बताइए मैं कौन था? आपसे बिछड़ा कैसे? क्यों बिछड़ा? बारिश शुरू हो गई। ये बारिश हमेशा मुझे बेचैन कर देती है। ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है लेकिन बता नहीं पाती। मैं बताती हूँ, वो भी बारिश की एक रात थी। आप हवेली के किसी मेहमान के जरूरी कागजात लाने स्टेशन गए हुए थे। Thank you.
तुम चले गए। मैं तुम्हारी लाई हरी कांच की चूड़ियां पहने हुई थी। पुलिस वाले बोले तुम इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे कांच की चूड़ियां तोड़नी पड़ी। शांता, बहुत दुख उठाने पड़े होंगे ना? तुम्हारे मिल जाने से सब दुख दूर हो गए। तुम्हारा बेटा सुनील तुम्हें देखकर खुशी से पागल हो जाएगा। क्या हुआ? सुनील तो इस वक्त खतरे में है। तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था और मैंने तुम्हारा मरना आसान कर दिया है। मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहता था और आज खुद जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा है। तुम मुझे मार सकते हो बलदेव, मगर इस वर्दी को नहीं, क्योंकि ये हमारे देश के कानून का प्रतीक है और फिर मेरे मरने से तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। सुनीता के कत्ल के जुर्म में फांसी तुम्हें जरूर मिलेगी। बचपन का पल्ला याद आ रहा होगा ऐसी साहब। ये औरत आपके साथ क्या कर रही है? ये तो सुनील की माँ है। ये सिर्फ सुनील की नहीं, तुम्हारी भी माँ है और सुनील तुम्हारा बड़ा भाई है। तकदीर ने हमारे साथ ऐसा चक्कर चलाया कि हम सब की जिंदगी अकेली रह गई। सुनील का बचपन अपनी माँ के साथ और तुम्हारा बचपन अपने पिता के साथ, और आज जब हम सब का अकेलापन दूर हुआ तो जाओ बेटे, अपनी बड़ी माँ के पांव छो और अपने भाई को छोड़ दो। अगर अपने बाप के लिए तुम्हारे दिल में जरा सी भी इज्जत है, प्यार है, तो अपने इस गलत रास्ते से हट जाओ, अपना रास्ता बदल दो बेटे। तकदीर में सिर्फ एक ही बेटा लिखा है, इसलिए वो तुम्हें सुनील की जिंदगी पर कुर्बान करना चाहता है, और जिसे तुम आजाद करा रहे हो ये तुम्हें फांसी के फंदे पर ले जाएगा। ये शख्स ये भी अच्छी तरह से जानता है कि आज इसका एक बेटा मारा जाएगा, लेकिन वो तुम नहीं मारे जाओगे, मारा जाएगा से। तुम यहां से निकल जाओ बलदेव, आर्मी पर जहाज तैयार है। सोचने का वक्त नहीं बलदेव, भाग जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से बलदेव, वरना यह आदमी तुम्हें फांसी के तख्त पर ले जाएगा। मैं कहता हूं भाग जाओ। जाओ कोई अपनी जगह से हिला दो। एसपी साहब, अब आप फंसे हैं मेरे जंगल में। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ।
नहीं बढ़ना, इतने नजदीक से मेरा निशाना भी नहीं चुकेगा। आगे मत बढ़ो, मुझे भाग जाने दो। रुक जा, गोली मत चलाना बेटा, गोली मत चलाना। नहीं, मैं गोली नहीं चलाना चाहता, लेकिन अपने बेटे से कह दीजिए आगे ना बढ़े, वरना। पागल मत बनो बेटा, ये तुम्हारा भाई है। मैं किसी भाई भाई को नहीं जानता, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे मत बढ़ो, मैं कहता हूं आगे मत बढ़ो। नहीं, आगे मत बढ़ो। आपने गोली चलाई? बेटे, ये गोली मैंने तुम पर नहीं, अपने आप पर चलाई है। मैंने तुझे दुनिया भर की खुशियां दी बेटे, लाड़ दिया, प्यार दिया, और उसके नतीजे में इन्हीं हाथों से मुझे तेरी जान लेनी पड़ी। मौत से डरता था, लेकिन आज इस मौत को आपका आशीर्वाद समझकर स्वीकार करता हूं। डैड, बाप की हैसियत से मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं दिया। बड़े बेटे हो ना, आज मैं तुम्हें सबसे बड़ी चीज देता हूं। तुम्हें साकिया की तलाश है ना, ये रहा साकिया, अपने हाथों से हथकड़ी पहना दो।